आपकी वर्दी और आपकी बाइक में एक अलग किस्म की दहशत है। डबल सवारी पे पाबंदी है, क्या आपको इस चीज से इस्तेसना है? अच्छा, अक्सर सुनने में आया कि जो पुलिस है वो जब खाना खाती है तो वो पैसे नहीं देती। आप पैसे देते हैं? जी जी, लाजमी बात है, पैसे तो देने हैं, जहाँ खाना खाना है पैसे देने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉल्फिन फर्स्ट के पास। जी सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर जी, सबसे पहले पूछेंगे कि आपका जो इस वक्त ड्यूटी है आपकी इधर जो मेन रोडों पे, मेन सड़कों पे, तो आपके ऊपर जो हुकूमती दबाव कोई पड़ा है, कोई ज़्यादा ड्यूटी हुई है, क्या मामला है आपके? जी हमारे जो हुकूमती दबाव तो नहीं, जो हमारे कानून के मुताबिक जो दफ़ा 144 नाफज की गई है उस पर अमल दरामद कराने के लिए हमारे अफसरान बाला ने जो अहकाम जारी किए हैं, हम उस पर जो कानून की बालादस्ती के लिए जो काम हो रहे हैं वो कर रहे हैं, और लोगों में जो करोना वायरस के मुतलक जो शऊर पैदा कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, एहतियात करें, जो भी बेहतर है वैसे करें। सर जी, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ में साफ दिखाया जा रहा है कि जो पुलिस है वो आवाम के ऊपर जुल्म सितम कर रही है, क्या आया कि आप भी ऐसे ही करते हैं या आप समझाते हैं प्यार से? नहीं भाई, हमारी ऐसी ड्यूटी नहीं है, ना ही हम किसी पर जुल्म सितम करते हैं। हम तो अवाम के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा रवैया रखते हैं। हम अवाम में ये एक ट्रेंड पैदा कर रहे हैं कि पुलिस की इज्जत की जाए, पुलिस आपकी इज्जत करेगी। जब अवाम पुलिस के साथ अच्छा बर्ताव करेगी, अवाम पुलिस के साथ कोऑपरेट करेगी, पुलिस भी आपके साथ कोऑपरेट करेगी। हमें ऐसा कोई रवैया नहीं रखते, हमारी हतुल अमकान यही कोशिश होती है कि अवाम को जो किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचे हमसे, बल्कि जो हम अवाम को समझा बुझा कर वहीं पे मसला जो हैंडल करके वो मसला ख़त्म कर देते हैं, जो भी कोई मसला हो। बहुत अच्छी बात, अक्सर देखा गया है कि कानून जो होता है अमीर और गरीब के लिए लग गया, आपकी नज़र में इसकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? जो चाहे कोई अमीर हो कोई गरीब हो, हमारी नज़र में, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई जैसा भी है वो कानून तोड़ता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हम हतुल अमकान यही कोशिश करते हैं कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, बिला इम्तियाज बिला तफरीक अमीर गरीब के सब के खिलाफ यकसा कानून नाफिज किया जाता है, यकसा कार्रवाई की जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, अमीर हो या गरीब हो सब के लिए कानून एक ही है। अच्छा, जो वन व्हीलिंग करते हैं उनके खिलाफ आपका क्या एक्शन होता है? जी वन व्हीलिंग के खिलाफ तो हम बड़ी सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वन व्हीलिंग एक जानलेवा खेल है, ये हमारे लोगों के लिए नुकसानदेह है। हमारे जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं वो उनके माँ बाप को चाहिए कि उनको समझाएं बुझाएं, वो उनको घरों में रखें, उनकी अच्छी उनको एक अच्छा अच्छे तरीके से गाइड करें ताकि वो घरों में रहे, अपना जो काम करना अपना करें, बाहर जाना बाइक पर जाना जो भी है करें। हाँ जी, वन व्हीलिंग की अक्सर सुनने में आया कि एक्सीडेंट होते हैं, आपकी नज़र में अक्सर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आप देखते हैं कितने एक्सीडेंट होते हैं वन व्हीलिंग की बुनियाद? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है, वन व्हीलिंग से मुतअद्दिद बार हम देखते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा मसला आ जाता है, ये चलता रोड है इधर, रात को अक्सर लोग जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं वो उनके माँ बाप उनको समझाते नहीं, हम उनको बहुत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन जैसे भी वो अक्सर बच्चे बाज नहीं आते, लेकिन हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, उनको प्रॉपर उनके खिलाफ जो एक्शन होता है वो तरीके से आप चलते हैं, जारी बात है कि मीठे मीठे अंदाज में उनकी बेइज्जती भी कर दी है और आप उनके साथ चले भी। अच्छा, अक्सर सुनने में आया कि जो पुलिस है वो जब खाना खाती है तो वो पैसे नहीं देती, आप बताइएगा? नहीं भाई, ऐसी बात कोई नहीं है, हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी है हमारी, हम अपने जेब से हक हलाल की कमाई से हक हलाल खाते हैं, और जो होटल वाले हैं जहाँ पे हम खाना खाते हैं जारी बात, वो भी अपनी कमाई करने के लिए आया। आप पैसे देते हैं? जी जी, लाजमी बात है, पैसे तो देने हैं, जहाँ खाना खाना है पैसे देने हैं। तो जो इस वक्त जो आवाम है आपके साथ कितना तावन कर रही है भाई, लॉकडाउन का जो कोरोना की वजह से इसके आवाम कितना तावन कर गया आपके साथ? अवाम भाई जारी बात है, जो जिसको पता ही नहीं है कोरोना के मतलब या जिसमें शऊर ही नहीं है वो तावन नहीं कर रहा, और जिसमें ये शऊर है पढ़े लिखे जवान जो हमारी पढ़ी लिखी अवाम है पढ़ा लिखा तबका वो तो अच्छा तावन करता है हमारे साथ, और हमारे साथ जो ये अच्छा काम कर रहे हैं हमारी बात मानते हैं, जो हम उनको अहकाम जारी करते हैं उस पर अमल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अवाम में शऊर नहीं है, ये हमारे मीडिया वालों को आपको भी चाहिए कि अवाम में ऐसा शऊर पैदा किया जाए कि अवाम जो है इसके मतलब आगाह हो, उनमें खुद आगाही पैदा हो, वो कोरोना के मतलब जो हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं उस पर अमल दरामद करें, उस पर अमल पैदा करें, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है।
अच्छा, आपकी वर्दी और आपकी बाइक में एक अलग किस्म की दहशत है, और जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो आवाम अपनी सेफ्टी महसूस करती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगता है इस चीज़? भाई जो बात है ना दहशत की, वो ये बात तो गलत है, दहशत नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि आवाम हमारी रिस्पेक्ट करती है, वो भी इसलिए करती है क्योंकि हम उसके आवाम के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हम आवाम की रिस्पेक्ट करते हैं, आवाम हमारी रिस्पेक्ट करती है, दहशत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हर अमीर गरीब के साथ जो अच्छा सलूक किया जाए, कोई गरीब है कोई कमज़ोर बंदा, हर किसी के साथ अच्छा सलूक किया जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग है, हम आवाम की खिदमत करते हैं, कोई बूढ़ा हो जा रहा है उसके सड़क पार करवा दे, बिल्कुल आपकी वीडियोस भी हमने देखी, इमदाद भी करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो, हर किस्म की तआवुन करते हैं आवाम के साथ, और इस यही वजह है कि डॉल्फिन फोर्स जो है इसकी आवाम में रिस्पेक्ट करती है, और जो हमारा जो एक इज्जत आवाम के दिलों में बैठी हुई है वो इज्जत आवाम करती है, हम जहाँ भी जाते हैं आवाम उसकी रिस्पेक्ट करती है, हमारे दूर से देख कर अलर्ट हो जाते हैं। जो दहशत वाली बात है, दहशत ऐसे लोगों के दिलों में है जो क्राइम जराइम पेशा लोग हैं, जैसे जो फर्ज करें कोई वन व्हीलर है वो जा रहा हो, हमें दूर से देखकर वो ठीक हो जाता है, व्हीलिंग करना छोड़ देता है, इसको आप दहशत कह सकते हैं, लेकिन आम आवाम के दिल में हमारे लिए बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, वो आवाम हमसे मोहब्बत करती है, हम भी आवाम से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो डबल सवारी पर पाबंदी है, क्या आपको इस चीज़ से इस्तस्ना है? नहीं भाई, पाबंदी हम तो है ना कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, कि आपको इस्तस्ना है? हाँ, हमें तो इस्तस्ना है ना, क्योंकि हम तो उसमें शामिल नहीं होते ना, जो आर्टिकल 144 आवाम इस चीज़ को जेहन में रखती है ना कि ये डबल सवारी पे ये क्यों जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, अगर हम नहीं फिरेंगे तो आवाम को कौन समझाएगा? हम 2000 ही बात, हमारी SOP है, हम अपनी SOP के मुताबिक ड्यूटी करते हैं, अपना हेलमेट पहन के ड्यूटी करते हैं, दो बंदे दो बाइक से इकट्ठी जाती हैं जहाँ भी जाती हैं, हमारी एक SOP है, एक कानून है, उसके मुताबिक हम अपनी ड्यूटी करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे डॉल्फिन फोर्स के एक मुजाहिद मैं इनको कह सकता हूँ, अपनी जो जानें हैं उनको दाव पे लगा के ये हमारी हिफाजत के लिए मामूर किए गए हैं, तो इनकी हमें हिफाजत और इनको मद्देनज़र रखना चाहिए, और इनकी इज़्ज़त एहतराम अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।